लोगों को दिख रहा होगा, उसके ऊपर से छलांग लगा देते थे इसी पोखर में, मतलब नहाने के लिए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। तो गांव में भाई हम लोग भी भैंस चराए हैं, ऐसा नहीं, भैंस जो है खुद ये सब बांध पर चराने के लिए आते थे हम लोग। की कमी जरा है, हर चीज खास है। गांव में जब लाइट भाग जाता है तो गांव के कुछ बुजुर्ग है जिसको ज्यादा गर्मी उर्मी लगते आ जाते हैं यहाँ पे नौजवान हवा खाने के लिए। तो अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। चीज है जिससे अभी आज भी हम लोग यूज करते हैं, ये जो मशीन आप लोगों को दो मशीन दिख रहा होगा, इसी मशीन से जो हम लोग खेत पटाने का। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं अरशद, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी आप मेरे बैकग्राउंड में जो लोकेशन देख रहे हैं आप अभी जो है सो मैं फिलहाल गाँव के अंदर हूँ, और मेरे बैक साइड में जो आप देख रहे हैं ये ही मेरा गाँव है, और कुशेश्वर स्थान विधानसभा के क्षेत्र में आता है और ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अभी हम लोग शाम के टाइम में जो है सो भाई घूमने के लिए निकले थे, सोचे आप लोगों को थोड़ा तस्वीर दिखा देते हैं। काफ़ी शानदार नज़ारा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, हमारा जो गांव है खैर काफ़ी खूबसूरत है, आपको मैं दिखाता हूं कुछ तस्वीर यहां के, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं छत के ऊपर हूँ और छत के ऊपर से कुछ तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कौवा काफ़ी सारा है जो काफ़ी सारा काँव काँव कर रहा है, आप लोगों को आवाज़ भी जा रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत है। ये पास में ही हमारा घर के पास ही मस्जिद है, ये मस्जिद हो गया, और इधर में सामने जो दिख रहा होगा आपको ये स्कूल है, उसका भी तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे जब गाँव से बाहर जाएंगे तो। और ये देख लीजिए, ये हमारा दरवाज़ा है, नीचे ट्रैक्टर भी लगा हुआ है इधर में, हमारे अंकल का ट्रैक्टर है। और इधर देख लीजिए पूरा गाँव हम लोगों का जो है कुछ इस तरह से दिखता है, छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, कैमरे में जितना दिख रहा है समझ लीजिए उससे थोड़ा बड़ा है। इस तरह से अपना घर दिखता है गांव का, ये सामने दरवाज़ा है हो गया। बाहर जाने से पहले ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने जो बागीचा है वो घुमा देता हूँ, उसमें सारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, आपको दिखाएंगे कितना सारा जो है सो फल फ्रूट का गाछ लगा हुआ है। आ चुके हैं मतलब अपने बागीचा में, और बागीचा की कुछ तस्वीर आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये मेरा बेटा अलमीर है, हाय बोलो, ये शर्मा रहा है। ये हमारा अमरूद का पेड़ है, अमरूद के पेड़ में देख लीजिए काफ़ी सारा अमरूद फरा हुआ है जो कि आप देख लीजिए, जामुन का पेड़ है उसके बाद, और इधर में देख लीजिए केले का भी गाछ लगाए हुए हैं हम लोग, केले का भी गाछ है। और ये देख लीजिए इधर में नींबू का पेड़ है, ये सीताफल जिसको बोलते हैं, शरीफा बोलते हैं हम लोग, सीताफल छोटा छोटा सीताफल है देख लीजिए। अभी हल्दी का भी पेड़ देख लीजिए यहाँ पर है, और ये है नीम का गाछ है, यहाँ पर अनार भी है, अनार भी फड़ा हुआ है, ये देख लीजिए अनार का पेड़ है, काफ़ी सारा अनार इसमें भी फड़ा हुआ है, और ये भी अमरूद का पेड़ है, इसमें भी काफ़ी सारा अमरूद फड़ा हुआ है देख लीजिए है। फिर आम है, इधर आम का भी बागीचा है, ये देख लीजिए पूरा आम का गाछ है इधर, ये छोटा छोटा नींबू है, ये वाला जो नींबू है ये छोटा नींबू है, और इधर में जो है बड़ा वाला नींबू है, ये देखिए बहुत बड़ा साइज़ होता है इसका नींबू का। गाँव में जो है सो अभी फिलहाल कुछ लोग जो है सो मछली का भी बिजनेस करते हैं, तो मछली पालने का जो काम है वो होता है यहाँ पर, देख लीजिए देख लीजिए यही वो तालाब है, इसमें मछली पालन होता है। सामने देख लीजिए काफ़ी सारा भैंस भी है, तो भैंस भी यहाँ पर लोग चला रहे हैं। हमारे भाई साहब हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ घर हुआ। लड़पा, लड़पा कहाँ पर है? हो लड़पा छेछनी के बगल में, मतलब हाँ छेछनी लड़पा वहाँ से आए हैं, सलाह की तरफ लाद जो गाँव है छेछनी, तो वहाँ से आए हैं बहुत दूर से समझ लीजिए भैंस चराने के लिए आए, कम से कम लगभग 10 किलोमीटर दूर से भैंस चराने आए हो। 14-15 किलोमीटर से भैंस चराने इधर आए हैं। उधर हरियाली नहीं है? उधर भी तो हरियाली है, बाढ़ है, उधर बाढ़ है। कितना भैंस दूध दे देती है? 30 लीटर। इधर घूम के बोलिए शर्मा का रहे हैं, एक भैंस की दो भैंस देती है भैंस? भैंस 10 लीटर एक भैंस, 10 लीटर एक भैंस, मतलब सुबह में कितना देती है शाम को कितना देती है? सुबह में 5, सांझ में 5, सुबह में 5 शाम को 5, 10 लीटर दूध सबको बेच देते हैं, इसका बिजनेस करते हैं। अच्छा अच्छा, लगे रहिए, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, चला चला वीडियो बने देख रहे हैं हरियाली। ये हरियाली सिर्फ और सिर्फ गाँव में ही देखने को मिलता है, और ये सड़कें देख सकते हैं
इसके ऊपर जो है सो गाय भैंस सब चढ़ती हैं। मेरे पास भी एक भैंस है जो कि अभी मतलब किसी को गांव में बोलते हैं पोसिया लगाना, मतलब कि किसी और को दे देना पालने के लिए। तो उस तरह से जो है सो हमारे पास भी भैंस है लेकिन किसी और को पालने के लिए दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा भैंस है। तो गाँव में भाई हम लोग भी भैंस चराए हैं, ऐसा नहीं है कि भैंस नहीं चराए हैं। भैंस हम लोग भी जब छोटे छोटे थे ना तो अपना भैंस जो है खुद ये सब बांध पर चराने के लिए आते थे हम लोग। तो काफ़ी मतलब याद जो है सो ताज़ा हो गया है बिल्कुल यहाँ पर आकर के। जब भैंसों को देखता हूँ तो अपना भैंस भी याद आता है। आज भी भैंस है अपने पास लेकिन अभी अपना साधन नहीं है उसको खिलाने पिलाने का, तो इसलिए जो है किसी और को पालने के लिए दे दिए हैं। क्योंकि अभी बहुत इतनी बड़ी भागदौड़ ज़िंदगी में भैंस चराने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो है सो किसी और को दे दिए हैं पालने के लिए, जो लोग ये अभी गाँव में रहते हैं। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब जो है सो पोखर पर आ चुके हैं। हमारा गांव का ये पोखर है जो कि आप देख सकते हैं, यही पोखरी, इसमें हम लोग पहले नहाते थे। बहुत अच्छा लगता था, पूरा पानी भरा होता था। अभी भी पानी भरा हुआ है लेकिन ये बरसात का पानी है। जब सैलाब वाला पानी आता था इसमें हम लोग जो है सो पूरा नहाते थे। यहाँ पर ही देख लीजिए जो छोटा सा पुलिया बना हुआ है। और जब छोटे छोटे जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करते थे। वो जो सामने स्कूल आप लोगों को दिख रहा होगा उसके ऊपर से छलांग लगा देते थे इसी पोखर में, मतलब नहाने के लिए उसके ऊपर चढ़ते थे बड़ी मशक्क़त से, उसके बाद उसके ऊपर से छलांग लगाते थे। और यहाँ पर ही देख लीजिए छोटा सा पुलिया है, इसके ऊपर ही आकर के हम लोग बैठ करके रेस्ट करते थे, कपड़े वगैरह चेंज करना होता था। यहाँ पर भी देख लीजिए अभी भी काफ़ी सारा लड़का लोग जो है सो देख लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है, सब लोग जो है मौज मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सारे लड़के लोग जो है सो आकर के बैठते हैं, चिल मारते हैं समझ लिए एक तरह से। और बाबू तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? बस ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं। यहाँ घूमने के लिए आया है? अच्छा, सब लोग जो घूमने के लिए आया है गाँव से रेस्ट करने के लिए आया। यहाँ पर हवा थोड़ा सा अच्छा चलता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए चीज़ है जिससे अभी आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो मशीन आप लोगों को दो मशीन दिख रहा होगा, इसी मशीन से जो हम लोग खेत पटाने का जो काम है वो करते हैं। सामने आप लोगों को पोखर दिख रहा होगा, इसी पोखर में इसका मतलब हैंडपम्प से समझ लीजिए इसका जो सामने वाला जो आप लोगों को पाइप दिख रहा होगा इसके अंदर से सेक्शन पाइप डालते हैं और इसमें से पानी लेते हैं और खेतों में जो है सो पटाते हैं। हालांकि कई जगह पर जो है सो बोरिंग भी गड़ा हुआ है, बोरिंग से भी हम लोग पानी यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादातर पोखर से ही समझ लीजिए हम लोग खेतों को पटाते हैं। तो यही वो मशीन है जो इसी मशीन से समझ लीजिए हम लोग जो है सो खेत पटाने का काम करते हैं। दिख रहे हैं ना, पहले ये काफ़ी चौड़ा हुआ करता था, काफ़ी आराम से मतलब फोर व्हीलर इसके ऊपर से गुजर सकता था, उस तरह का यहाँ पर सड़क बना हुआ था। लेकिन आज की डेट में देख लीजिए यहाँ पर एक पैदल चलने के लिए भी ठीक से रास्ता नहीं है। और इधर में पुलिया पार कर लीजिएगा यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन नया वाला जो है सो पुल बन गया है, यहाँ पर छोटा सा पुलिया बन गया है लेकिन इसके आगे जाने के लिए जो है सो रास्ता देख लीजिए आप लोग, कितना पतला रास्ता है, मतलब कि एक आदमी साइकिल भी मतलब जाना मुश्किल है। देख लीजिए इतना छोटा सा मतलब रास्ता है, हालांकि पुल बन के तैयार हो गया है लेकिन रास्ता अभी तक बना नहीं है। तो भाई काफ़ी बार बना है ये पुल, काफ़ी बार टूटा है, तो लेकिन अभी तक जो है सो समझ लीजिए रास्ता, हालांकि गांव में आने के लिए रास्ता काफ़ी सारा है लेकिन ये भी एक रास्ता था पहले जो कि इस तरह इस रास्ते से जो है सो समझ लीजिए सामने वाले गाँव में जा सकते थे। अभी भी रास्ता बना हुआ है लेकिन छोटा छोटा कट गया है रास्ता, तो इस तरह से कुछ दिखता है ये रास्ता। तो आफ्ताब भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे हवा खाने आए हैं। हवा खाने आए हैं, क्यों घर पे हवा नहीं चल रहा है? गांव में जब लाइट भाग जाता है तो गांव के कुछ बुजुर्ग है जिसको ज़्यादा गर्मी उर्मी लगते आ जाते हैं यहाँ पे नौजवान हवा खाने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या कर रहे हैं भाई? हम भी हवा खा रहे हैं भाई। हवा खा रहे हैं, पान भी खा रहे हैं आप तो? नहीं नहीं सब लोग जो है सो गांव से आते हैं हवा खाने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी मज़ा आता है गांव में। हम भी आते हैं हवा खाने के लिए, हम लोग आते हैं यहां पर, हमेशा आते हैं, जब भी आते हैं तो एक चक्कर तो यहां पर ज़रूर अगर के चील मारते हैं। गांव से बाहर आएंगे तो यहां पर देख लीजिए स्कूल है सामने, इसी स्कूल के पास जो है बच्चे लोग जो है सो समझ लीजिए खेलते हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए इस स्कूल के पास हम लोग आ चुके हैं, इस स्कूल में हम लोग काफ़ी टाइम तक पढ़े हैं। और यहाँ पर देख लीजिए बच्चे लोग जो है सो अभी बैट बॉल खेल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए पब्लिक है जो कि बैठ के देख रही है, काफ़ी सारा पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई है। इस तरह से समझ लीजिए गांव का बच्चे लोग जो, हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो भाई इस तरह से खेलते थे और काफ़ी झगड़ा हुआ था, झगड़ा हो जाता था हम लोग का, जब भी खेलते थे तो हर बार झगड़ा हो जाता था, मतलब कि बैटिंग ही करेंगे इस तरह से झगड़ा होता था। चौदह रन। इस तरह से जो है हम लोग भी झगड़ा करते थे, कौन आउट हो गया कौन आउट नहीं हुआ, तो देख लीजिए लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में, फिर बैटिंग होता था, फिर खेला होता था। बॉलिंग कराओ, हाँ मार दिया।
कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।